मुद्दा है ईमानदारी, ईमानदारी के साथ देश की सेवा करनी है, इसी को लेकर वोटिंग करी हमने। और यहाँ के लोगों की सेवा करना, शहर के लोगों की सेवा करना, जो भी परेशानी उन्हें दूर करना। सबसे यही कहना चाहूंगी कि सब बाद में जलपान, पहले मतदान, और सबसे पहले मतदान कीजिए, नाश्ता घर जाके कीजिए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। और हमारी बीजेपी सरकार ने जो है मातृशक्ति को आगे बढ़ाया है, और उन्हें हमेशा कोशिश की है कि और लेडीज जो है कंधे से कंधा मिला के जेंट्स के साथ चलें, और उनको आगे बहुत सारे वो दिए हैं कि जिससे वो आगे बढ़े। सरकार तो बीजेपी की आएगी और हमारे रितेश भैया ही जीतेंगे। वोट फॉर भैया। क्या कहना चाहेंगे और किन मुद्दों को लेकर आपने? सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, और आज मैंने अपना मत का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित के लिए किया है। काम दमदार, सोच ईमानदार, मैं बहुत खुश हूँ आज का वोट डालकर, क्योंकि जीत तो भाजपा की निश्चित ही है। धन्यवाद। भाजपा की सरकार में हमें कोई डर नहीं है, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की गई है और हमें कितनी सुविधाएं दी गई हैं, इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम ये चाहते हैं कि सभी लोग भाजपा के लिए वोट करें और हमारे रितेश गुप्ता जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएं।